जी हाँ, अब राजा का ही बच्चा राजा नहीं बनेगा ऐसा साबित कर दिया है। मेरे साथ मौजूद है इस समय सचिन जी, जो फिलहाल नेवी एसएसआर एग्जाम को पास करके गोवा में पोस्टेड है। सचिन जी की बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, इस इंटरव्यू को सभी लोग देखिएगा। नमस्कार, मैं कटारा सर आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। ये इंटरव्यू बहुत खास लेने वाला है। इस इंटरव्यू के दौरान काफी अच्छे सवाल जवाब होंगे, बहुत सारे प्रश्न होंगे जिनका उत्तर देंगे सचिन जी। तो मैं चाहूंगा इस इंटरव्यू को अंत तक देखिए और हाँ, अपना कमेंट जरूर करिएगा, एक कीमती कमेंट, ताकि आप और अगर आप पहचानते हैं तो अवश्य करिएगा। सचिन जी, सबसे पहले आप सभी को अपना परिचय दें। जय हिंद, मेरा नाम सचिन कुमार है और मैं शिव शक्ति नगर कॉलोनी तारसपुर रामगढ़ रोड पारसी के पास रहता हूँ। जी सचिन जी, सचिन जी सबसे पहला प्रश्न ये है कि जो ये तैयारी का जो मिशन था कि नेवी में जाना है, ये सब कैसे आपके अंदर ये जागृति हुई? जब मैं सिक्स या फिफ्थ क्लास में पढ़ता था तो मेरे परिवार के सामने, मतलब मेरे घर के सामने एक दीदी रहती थी, उनके फादर गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, तो वो कहती थी कि जो गवर्नमेंट है उनके बच्चे गवर्नमेंट हो जाएंगे, और जो मेरे पापा टाइल्स पत्थर लगाते हैं उन्होंने बोला कि जो मजदूर है उनके बच्चे मजदूर रह जाएंगे। तो देखिए, इसी तथ्य को जानते हुए मैंने ये कहा था कि अब राजा का बच्चा ही राजा नहीं बनेगा। जैसा कि आप सब जानते होंगे, एक मूवी आई थी सुपर 30, जो कि मिस्टर आनंद सर पटना बिहार के अंदर सुपर 30 के नाम से अपना एक कोचिंग इंस्टीट्यूट रन करते हैं, और उन्होंने आईआईटी में उन्होंने सिलेक्शन लेके ये साबित कर दिखाया था कि किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए अधिक पैसे वाले होने की कोई आवश्यकता नहीं है। सचिन जी ने कुछ ऐसा ही साबित कर दिखाया है कि सचिन जी के फादर टाइल्स लगाते हैं, यानी कि वो एक राजमिस्त्री हैं, और इनके पड़ोसी ने इनके बारे में टिप्पणी भी कर दी कि नहीं, सरकारी नौकरी वालों के ही बच्चे सरकारी नौकरी में जा पाते हैं, मजदूर और मिस्त्रियों के बच्चे सरकारी नौकरी में नहीं जा सकते। इन्होंने उन्हें मुंह तोड़ जवाब देकर ये साबित कर दिखाया कि कोई सरकारी नौकरी वाला हो ये आवश्यक नहीं है, या कोई अधिक पैसे वाला हो ये आवश्यक नहीं है, क्योंकि सक्सेस पैसों से बेची या खरीदी नहीं जाती, मार्केट में नहीं मिलती सक्सेस। सक्सेस के लिए मेहनत करना पड़ता है, अपने आप को रगड़ना पड़ता है, तब सक्सेस मिलता है। तो चलिए, बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये सब जानकर। अच्छा, प्रश्न ये आता है सचिन जी कि आपने कटारा डिफेंस एकेडमी का चयन कैसे किया, कैसे पता लगा आपको, और आपने फाइनली यहाँ एडमिशन लिया क्यों? जब मैंने 12th पास किया था तो मुझे कंपटीशन तैयारी करनी थी, क्योंकि मैं जैसा ग्रिसन इंटर कॉलेज में पढ़ता था वहां पर मैंने एनसीसी ले रखी थी, तो देश सेवा करने की भावना तभी से उत्पन्न हो गई थी। उसके बाद मुझे डिफेंस में जाना था, तो उस टाइम पे यहाँ पे कोई भी कोचिंग अच्छी नहीं थी, तो मैं ट्रायल लेने के लिए केवल कटारा डिफेंस एकेडमी में आया था। तब मुझे बहुत अच्छी लगी थी 2018 में, तभी से मैंने इसको ज्वाइन किया था। तीन फ्रेंड आए थे अंदाजे मुझे? हाँ, हम तीन दोस्त आए थे, मैं, मेरा नाम सचिन कुमार, और मयंक जो कि अभी एयरफोर्स में है, और दुसन चौधरी जो कि उसने भी सीजीएल क्लियर किया है, पोस्टल असिस्टेंट। तीन बच्चे आए और तीनों सेलेक्ट हो गए, कितनी बड़ी बात है। तीनों दोस्तों में से किसी को निराशा प्राप्त नहीं हुई, जैसे सोच और विचार लेके आए वैसा इन्होंने साबित कर दिखाया। लेकिन एक बड़ी बात आती है फिर से, पेशेंस, क्योंकि समय लगा था। किसी भी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने में समय लगता है, क्योंकि सक्सेस एक दिन में नहीं लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। तो इन्होंने एक पेशेंस रखा और कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई की। आपने किस वर्ष में कटारा डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन किया था? जब मैं कटारा डिफेंस एकेडमी में आया था तो मैं 2018 में आया था, और उसके बाद 2020 तक यहाँ पे मैं ऑफलाइन मोड में पढ़ाई करता था। उसके बाद कोरोना स्टार्ट हो गया, तो उसके बाद मैं इनके ऐप के माध्यम से घर पर ही पढ़ाई करता 2021 तक, उसके बाद मैं नेवी में सिलेक्टेड हो गया। देख रहे हैं आप कितनी बड़ी चैलेंजिंग बात है कि फेस तब भी आते हैं, क्योंकि जब हम कभी प्रयास करते हैं तो प्रयास में मुश्किलें तो आती ही आती हैं। अगर आपकी कोशिश में अगर आपको समस्या नहीं आ रही तो आप समझ जाइएगा या तो आप सही रास्ते पे नहीं है या आप बहुत ज्यादा परिपक्व है, क्योंकि समस्या तो आएंगी जब प्रयास करेंगे। तो इनके साथ भी ऐसा ही हुआ, इन्होंने एकेडमी ज्वाइन किया, कुछ फेस तब भी आए, उसी दौरान कोविड भी आया और सारे कोचिंग संस्थान बंद हो गए थे, फिर भी हमारे संस्थान के ऑनलाइन के माध्यम से ये हमसे जुड़े रहे और फाइनली इन्होंने कर साबित कर दिखाया, एग्जाम को पास किया, और आज ये ट्रेनिंग करके, यानी ट्रेनिंग इनकी समाप्त हो चुकी है और ये गोवा में पोस्टेड है एज अ नेवी एसएसआर। तो आप ये समझ सकते हैं, कोई भी बच्चा ये कभी ना सोचे कि उसके पिता अधिक पैसे वाले हों या उस पर मतलब कोई घर में सरकारी नौकरी हो। जी नहीं, अगर आपकी सोच अच्छी है या आपके इरादों में दम है
तो कोई भी बच्चा कर सकता है ये तैयारी। तो मैं चाहूंगा इतनी कम उम्र में इतना बेहतर विकल्प, इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। आपकी इस समय प्रेजेंट टाइम क्या उम्र है? सर मेरी इस टाइम 22 इयर्स है। 22 इयर्स में आप देख पा रहे हैं अचीवमेंट्स को, देखिए आप कि ऑलरेडी ये इंडियन नेवी में। और मैं ये बात कंफर्म और दावे के साथ कह सकता हूं, ऐसे ही सचिन भाई जैसे हजारों बच्चे कटारा डिफेंस अकेडमी ने देश सेवा में पहुंचा चुके हैं हम लोग, जो कि आज लगे हुए हैं एयरफोर्स, नेवी और अन्य कई पदों पर। अब फिलहाल में बच्चे सीजीएल में भी जाने लगे हैं। तो ये बड़े गौरव की बात है कि बच्चे लगातार सफल हो रहे हैं और इतनी कम कम उम्र में कहां ये सरकारी नौकरी तक पहुंच रहे हैं। जबकि एक बंदे को अगर वो बीएससी एमएससी पीएचडी करता है 31 से 32 साल हो जाती है उम्र, और उसके बाद भी सरकारी नौकरी की तलाश करता है और उसके बाद इतनी देर हो जाती है कि ये भी आवश्यक नहीं है कि एक सही स्थान तक पहुंच पाएगा या नहीं। तो इतनी कम उम्र में इससे बढ़िया कोई विकल्प नहीं है। अच्छा, मैं सचिन जी एक बात और जानना चाहूंगा कि जब आपने तैयारी की होगी तो कुछ मुश्किलें आई होंगी, कुछ सैक्रिफाइस करने पड़े होंगे आपको। हाँ सर, मुश्किलें तो सबसे बड़ी मुश्किल तो यही थी, कोरोना स्टार्ट हो गया था तो उसमें ऑफलाइन मोड से पढ़ाई नहीं हो पाई, तो ऑनलाइन से पढ़ाई की थी। तो उसके बाद में कुछ मुश्किलें ये थी कि मोबाइल से दूर रहना ये ज्यादा जरूरी है कि मोबाइल से आजकल बच्चे दूर नहीं हो पाते हैं, जो कि सोशल मीडिया है इंस्टाग्राम, बिल्कुल जिस पर मेरा अभी तक अकाउंट भी नहीं है। तो आप देख पा रहे हैं आज की डेट में ये सबसे बड़ा एक प्रश्न बन चुका है सभी के सामने कि मोबाइल फोन का आज की डेट में एवरेज टाइमिंग जो है किसी भी व्यक्ति के हाथ में 7 से 8 घंटे पहुंच गया है, जो कभी 3 साढ़े 3 घंटे हुआ करता था। यानी 24 घंटे में 7 से 8 घंटे तो आज नॉर्मली आज की डेट में फोन में ही चला जाता है। एक रील देखना शुरू करते हैं, आगे बढ़ाते जाते हैं और वही समय निकल जाता है। 2 घंटे बाद पता लगता है कि इतना समय निकल गया है और गुजरा हुआ समय कभी वापस नहीं आता। यही समय है, इसका किस तरह से आप उपयोग करेंगे ये आपको सोचना होगा, क्योंकि जो आज है वो कल नहीं होगा। इसीलिए आप इसी टाइम पर, राइट टाइम पर, क्योंकि सही समय पर सही निर्णय इंसान को सफल बनाता है, टाइम को ना बिगड़ने दें और मोबाइल फोन को अपने आप से थोड़ा दूर रखिए, केवल सीमित समय पर ही उसका यूज करिए। अच्छा, मैं एक चीज और जानना चाहूंगा सचिन जी कि परिवार वालों का या आपके टीचरों में किसका कैसा सपोर्ट रहा आपकी तैयारी के दौरान? सबसे ज्यादा जो मेरी सफलता का श्रेय जाता है वो मेरे परिवार को जाता है, मम्मी पापा को, उसके बाद में जो मेरा तो गुरुजनों को जाता है, जो कटारा सर है और जो मेरे एडमिशन कॉलेज जिन्होंने मुझे आगे के लिए मार्गदर्शन दिया था, तो इन्हीं को जाता है, गुरुजनों को और माता पिताजी को। देख कितनी अच्छी बात कही इन्होंने। वास्तविकता यही है कि किसी भी इंसान के जीवन में 2 ही मुख्य सदस्य होते हैं, या तो अपने आपके पेरेंट्स हो सकते हैं या आपके गुरु हो सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि तीसरे लोग बोलते बहुत कुछ है, ये समाज बहुत अच्छी टिप्पणी भी करता है बुरी भी करता है, लेकिन बड़े ही कम लोग होते हैं जो आपको सही दिशा में देखना चाहेंगे। तो यहाँ पर आपके पेरेंट्स और गुरुजन की तो हमेशा सोच यही होगी कि आप आगे बढ़े, कि यहाँ पर गुरु पढ़ाता है, इसीलिए उसकी ये चाह होती है कि आपकी सफलता में हमारी सफलता भी छिपी है। तो यहाँ पर ये सारे प्रश्न जानकर मुझे काफी खुशी हुई। अच्छा, एक बात और जानना है मेरे को कि कटारा अकेडमी की जो पढ़ाने की प्रक्रिया रही, क्लासरूम, टेस्ट सीरीज, आपको सबसे बेस्ट क्या लगा, आप एक बार ये बच्चों को जरूर बताएं। जब मैं कोचिंग में आया था तो मुझे ने सोचा कि इतने बड़े क्लास में मैं कैसे समझ पाऊंगा, लेकिन जब हम क्लास के बाद में यहाँ पर पढ़ते थे क्लास में, तो कटारा सर और भी फैकल्टी आके हमें टेबल पर पढ़ाते थे जहाँ पे हम पढ़ते थे वहीं पे, और अगर कुछ फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं होती थी तो उसमें भी ये सर मदद करते थे। पढ़ने वालों के साथ ये संस्थान हमेशा रहा है, हमेशा रहेगा। अगर आपका सपना अधिक पैसे यानी पैसों की वजह से टूट रहा है, मैं खुद कहता हूं इस बात को, आप अपने आप को साबित करें, यहां आए। हमने एक अपना प्लान भी बना रखा है, केसेट कटारा स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट। आप अपनी नॉलेज के बेस पर यहां पर बहुत कम पैसों में पढ़ाई कर सकते हैं। ये संस्थान आज बच्चों को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है, और ऐसा ही नहीं, एक बार विजिट अवश्य करें, क्योंकि यहां पर वो टीम और वो टीचर पढ़ा रहे हैं आज की डेट में, जो बच्चे को एकदम शिखर पर पहुंचा सकते हैं, बड़े से बड़े लेवल पर पहुंचा सकते हैं। आज हमारा ये संस्थान 3 अलग अलग दिशाओं में काम कर रहा है, अलग अलग 2 बिल्डिंग्स हैं, काफी सारे टीचर्स हैं और सबका प्लान अलग अलग है, प्लान ए प्लान बी प्लान सी, यानी 3 डायरेक्शन में हम काम कर रहे हैं। डिफेंस सेक्टर अलग है हमारा, डिफेंस डिवीजन और विंडो एग्जाम डिवीजन अलग है, जहां हम एसएससी पुलिस की तैयारी कराते हैं, और एक सेपरेट डिवीजन है जो स्पेशली जेई नीट वाले बच्चों के लिए है। प्रॉपर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम भी सेपरेट है, प्रॉपर स्टडी मटेरियल दिया जाता है, फुल डे डाउट सपोर्ट दिया जाता है, और इतना ही नहीं ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन सपोर्ट भी दिया जाता है। भारत की आधुनिक तकनीक के हिसाब से देखा जाए तो आज वो हर स्टेप हमारे संस्थान में
मौजूद है जिसकी बच्चों को जरूरत है। तो बस मैं यही कहना चाहूंगा, आप मेरी बात पर बिलीव करें ना करें, डजंट मैटर। अगर आपको लगता है आप तैयारी करना चाहते हैं, एक बार आइए यहाँ पर, विजिट कीजिए, पढ़ के देखिए। अगर आपको लगता है कि सर की बात में दम थी, तो अवश्य आए, हमें चुने और अपने सपनों को साकार बनाए। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिलकर। सचिन जी बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहें और लोगों को मोटिवेट करते रहें। सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद।